दंगों में कुछ जरूरी बात करनी है, समाधान की बात मुझसे की जाती है। जो दंगदार हूं मैं पूछ लेता हूं समाधान में कितने लोग दंगदार हैं, हाथ उठा ले। बहुत खुशी की बात है, बहुत उम्मीद की बात है दोस्तों, समझदार के साथ दंगदार के साथ समाधान की बात होती है। मुझे पूरा यकीन है समाधान उन लोगों से खड़ा हुआ है जो दंगदारी के साथ समझदारी के साथ आगे चला निकालेंगे। दोस्तों मुझे आपसे कहना यह है, समाधान हम किसी को दें उससे पहले हमें खुद समाधान को खड़ा होना पड़ेगा। मतलब क्या है इस बात का, मैं केवल आपको इतना अच्छे मिसालों में बात करूंगा कि किसी लंबे संघर्ष से जाने से पहले अपनी तबीयत दुरुस्त कर लें, अपने अंदर कितनी ताकत है, अपने अंदर कितनी स्थिरता है, कितनी शांति है, कितनी अंदर मस्ती भरी हुई है। क्योंकि बड़ी लड़ाइयां रोते हुए नहीं लड़ी जाती, हंसते गाते नाचते घूमते हुए लंबी लड़ाइयां लड़ी जाती है। शिक्षा का रोजगार के अंदर इंसान पाने का सवाल उसी तरह की लंबी लड़ाई है जिसको कहते हैं हंसते गाते लड़ना है और जीतना है। दोस्तों समाधान कैसे, समाधान बातों से नहीं होता। अभी 5 बजे हम लोग जुडिशरी का बात करने में चलेंगे। जितने लोग घर पर भाषण लेकर गए हैं, जितने लोगों ने अपने लोगों में किया है वो बिल्कुल आ गए हैं। पुलिस की लाठियां होंगी और हम लोगों की छातियां होंगी, हम देखेंगे। हम अपने आप से पूछ रहे अपने आप से वाद भी होने से समाधान मिलेंगे या सूर भी होने से समाधान मिलेंगे, सूर भी होने से समाधान मिलेंगे। बात पड़ोसी भाषणबाजी बहुत हो गई, मुझको भी कम बोलना है, सभी बातें आप तक पहुंचानी है। संकल्प चाहिए, साहस चाहिए, इस पर शक्ति नहीं है, संकल्प चाहिए, रणनीति चाहिए, पर समाधान की बात करेंगे। और आज बहुत बड़ी बड़ी बातें हमने यहाँ की है, सभागार में की है, लेकिन मैं आपसे कह देता हूँ वक्त बताता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और आज याद करें हमारा वक्त बहुत मायनों में हारा हुआ वक्त है। बड़ी बड़ी लड़ाई बस हो चुकी है, पूरे देश में हर किसी को समान इज्जत के साथ जिंदगी मिलेगी, हर किसी को समान इज्जत मिलेगी। सरकारी स्कूल होगा, रोजगार में हिसाब होगा, कोई बैग अपने को नहीं तो सवाल पूछे अपने आप से, इस सपने को भूल में किसने लगाया, हमारी जवानी को लगता है अगर इस सपने को हमने भूल में मिलते हुए देखा तो हम देखें नई शुरुआत किस तरह करनी है। तो बड़ी बड़ी बातें करने से पहले चलो छोटी बातें कह देता हूँ कि अगर हम छोटी छोटी लड़ाई कर सकते हैं, छोटी छोटी लड़ाई जीत सकते हैं, केवल कभी बड़ी लड़ाई में बढ़ सकते हैं। नहीं तो बातें इस बार में हमने ऐसे ही हजारों सभाएं देखी है। हमको हर बड़ी लड़ाई लड़नी है, हर बड़ी लड़ाई जीतनी है और इसलिए हमको छोटी छोटी लड़ाई की पहचान करनी है, छोटी छोटी लड़ाई में जीतनी है। और जीतेंगे तो हौसला बढ़ेगा, जीतेंगे तो ये बात का हाथ भी छोटा बन जाएगा, अगर हारेंगे तो इस तरह की दो मीटिंग शिक्षा स्वराज नाम पर होंगी और उसके बाद खाली नहीं जाएगा। मैं बहुत चंद बातें आपसे कहने जा रहा हूँ, बिल्कुल समाधान की बात, बहुत बेचैनी के साथ सभागार से बात हो रही थी, समाधान की बात नहीं आ रही। दिल्ली, मैं दिल्ली की जमीन पर खड़ा हूँ, मैं दिल्ली का एक विधायक और सिपाही होने के नाते दिल्ली की सरकार को दलवाता हूँ, दिल्ली के सीएम और डिप्टी सीएम को दलवाता हूँ। दिल्ली में पिछले साल आधे 90% में खड़े हो गए थे, हमने चिट्ठी लिखी सीएम आवास के पास धरना दिया, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो जैसे वंशी को कहते हैं हम कहते हैं छोड़ दो दिल्ली की कुर्सी। ये सारा हमने सिपाही चला के खाती है कि बता दें कि तुम्हारे हमारे पास है चलो हम कहीं बहुत बार हमने खाई सुनी है बहुत सीधा है। और इसी दिल्ली में बेरोजगार नौजवान रहते हैं और इसी दिल्ली में बदमाशी बच्चे रहते हैं जो कच्चे नंबर खड़े कर दिए गए हैं। इन दोनों को मिल जाने दो, इन दोनों को एक क्लासरूम में बैठे रहने दो। जिन स्कूल कॉलेजों के मैं बड़े बड़े ताले लगा दिए हैं उनको जनता के लिए खोल दो। आज भी जनता कहते हैं दिल्ली का कोई स्कूल सरकारी स्कूल नहीं है, दिल्ली का हर स्कूल जनता का स्कूल है, दिल्ली का हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटी जनता का कॉलेज है, जनता की यूनिवर्सिटी है। हम प्रेम करते हैं, हम द्वारा कार्य करते हैं, उसको जनता के लिए खोलना पड़ेगा। समाधान ये है, अगर सरकार की बस्ती नहीं है, दिल्ली सरकार की बस्ती नहीं है तो स्वराज अभियान के साथियों को मैं पुकार करता हूँ, जिम्मेदारी खुद लेता हूँ मैं और हम आप साथ मिलकर ये हाथों में हाथ डाल के कक्षा 9 के बच्चे केवल 20 दिन के बाद 20 दिन 2-2 घंटे उनके साथ बिताएंगे। आज इस साल 20% बच्चे पास है, 80% बच्चे दिल्ली के कक्षाओं में इस समय रहते हैं। हम गारंटी देते हैं कि 20% के पास है उसको 80% तक पहुँचा देंगे। ये बहुत छोटी बात है, केवल मोहब्बत चाहिए, लगाव चाहिए, नई सोच चाहिए, इरादा चाहिए, नीयत चाहिए। यह हम कर्जा मानेंगे। समाधान की बात छोटी छोटी बातें कहने के चलते एक
दिल्ली जैसे विद्यालय के पास 24 घंटे खुलने वाला है, रीडिंग रूम में बैटरी हुआ करता था, समाधान की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें डब्ल्यू टी ओ हाँ प्राइवेटाइजेशन इलाहाबाद का हाईकोर्ट का मुकदमा आदेश ये सब कर लेंगे, लेकिन इस करने से पहले अगला कदम क्या होगा? वो अगला कदम हमें जीत का भरोसा देगा कि हम लोग वासी देगा। सवाल ये है, सवाल ये है, मैं आपसे दोस्तों याद दिलाता हूँ, हम दिल्ली में देश में हर जगह पब्लिक स्पेस जिसमें स्टैंड पर रूस का कब्जा हो ऐसा बनाना चाहते हैं और इसकी शुरुआत करना चाहते हैं। दिल्ली के विधानसभा क्षेत्र चुनाव के अंदर से, दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस के अंदर से, कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम पर 24 घंटे 7 दिन खुले रहने जो कि दूसरी लाइब्रेरी और रीडिंग रूम को विश्वास कर दिया गया, वो उतना ही बहुत पाप है जितने के बारे में जिसको धमाके से पाप है। उस पाप को हम दूर करना चाहते हैं, हम समझ पाते हैं, हम संकल्प लेते हैं कि दिल्ली में 24 घंटे के घंटे खुलने वाली लाइब्रेरी से बनाते रहेंगे। जब तक नहीं बनाएंगे अगली बार कहने का हक कोई हमको नहीं है। हम दिल्ली के स्वराज अभियान के साथ ही इस बात का संकल्प लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं। साथियों, यही दिल्ली जिसमें पूरे देश के नौजवान पढ़ने और रोजगार की तलाश में आते हैं, ये दिल्ली के नौजवानों को लावारिस बनाने वाला शहर है। 4 लाख नौजवान की यूनिवर्सिटी में अर्जी लेके जाते हैं, एप्लीकेशन लेके जाते हैं, 50 लाख का एडमिशन मिलता है, 3.5 लाख को सड़कों के धक्के मिलते हैं, तो 3.5 लाख नौजवान कोई लावारिस नहीं है, कोई दिल्ली के सपूत है, बेटियां हैं। और ये दिल्ली सरकार डूब मरे, ये मोदी सरकार अगर कोई नहीं कर सकती तो डूब मरे। दिल्ली का बीच के लिए कोई सुनने की जगह नहीं होनी चाहिए। हम मांग करते हैं, हम यकीन के साथ हक बताते हैं कि 3.5 लाख नौजवानों के साथ इंसाफ होगा। ऐश्वर्य नाम की स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग नाम की तो दिल्ली में स्कूल बना दी गई है, ये बच्चों का भविष्य बनाई है। उनको पढ़ने की जगह मिलेगी, रहने की जगह मिलेगी, उनको पढ़ने के लिए किताबें मिलेगी, उनको इंसाफ मिलेगा, उनको इज्जत की जिंदगी मिलेगी, उनको पूरी गुणवत्ता की एजुकेशन मिलेगी। हमारे आगे के कदम ये है, लेकिन हर कदम किसी के टाइम के साथ आगे बढ़ाएंगे। गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, हम इस दुनिया में जगह है नहीं, इस दिल्ली में उसका अपना मन है नहीं है। ये दिल्ली सरकार, मेरे अपने पुराने दोस्त मनीष सिपाल ने हुक्मनामा जाकर दायर किया कि हम 25% सिलेबस काट देंगे। लोग आते हैं भाई, उनके लिए स्कूल में रहता है कि होंगे, उनका सिलेबस क्या होगा? कई गरीब बच्चों में, गरीब बच्चों में, लड़कियों में आपको क्या लगता है? तो दिमाग नहीं है पूरा सिलेबस पढ़ सके। आप उनके लिए गलत देश बना देना चाहते हैं, आप उनके लिए दिल्ली में गलत कोना झूठी झोपड़ियों को बना देना चाहते हैं, आप उनको धीमा ध्यान देके शिक्षा के गार्ड बन जाए, घरों में नौकरियां नौकरानी बन जाए, इसके अलावा उनके लिए भविष्य नहीं खोलना चाहते। लेकिन आपको ऐसा करने की कोई हिम्मत ना हो, मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल हमारे दिल्ली की सड़कों पर हिस्सा मांगेंगे, स्वराज अभियान के शिक्षा पूरे लोग इस बात की मंत्रणा करते हैं कि आपको दिल्ली की सड़कों पर जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली की जनता से जवाब करने का आपको हक नहीं है, आप में कर्म नहीं है। दोस्तों, और छोटी सी बात कैसे होगी करके दिखाएंगे। दिल्ली की सरकार ने घोषणा की, हम पब्लिक स्कूल बनाएंगे, क्या होता है पब्लिक स्कूल? हमको कॉमन स्कूल चाहिए, एक समान शिक्षा चाहिए, एक समान स्कूल चाहिए, हर किसी को बराबर का हक चाहिए, एक समान गुणवत्ता की शिक्षा चाहिए। हम ये करते रहेंगे जहां हमारा बस चलेगा। दिल्ली की एक विधानसभा क्षेत्र स्वराज अभियान की विधानसभा क्षेत्र है, वहां आजादी का राज चलता है, वहां पर जनता का चलता है, किसी सीएम का विधायक करेंगे, समाधान की बात करेंगे।
ईश्वर की भक्ति करेंगे समाधान की तरफ बढ़ते होगा बातों से नहीं कुछ काम से बहुत काम से क्रांतिकारी काम से और बुनियादी काम से प्रत्येक पीछे चुप होते रहने वाला काम भी कई बार बड़ा क्रांतिकारी होता है बहुत तेज आवाज में गाय बजाना भी क्रांतिकारी होता है लेकिन फिर तक ध्यान से सुन ले जब कभी बड़ा क्रांतिकारी काम होता है तो हम सबको पढ़ाई देता हूँ सबको सलाम करता हूँ उन्होंने बोलना और तो दिया बहुत दिल बोल कर सुना मैं आपको यही दिलाता हूँ एक शिक्षा स्वराज के नाम से दिल्ली में और देश भर में ये मुहिम लगातार आगे चलेगी हमारी बातचीत शुरू हुई है उसका आज पहला दिन है पहला पड़ाव है हम यकीन जीत कर पढ़ेंगे हकीन हम कुछ कर मानेंगे और होली हस्ती के साथ हंसते जाते हुए झूठते हुए लड़ेंगे